लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में अच्छे कार्य करने वाले पदाधिकारी और कर्मियों को आज भागलपुर के टाउन हॉल में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में जिले के दर्जनों पदाधिकारी के साथ साथ सभी विभागों के कर्मचारियों को डीएम ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने बेहतर ढंग से अपनी ड्यूटी की, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, सदर एसडीओ धनंजय कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। मंच संचालन डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा ने किया। आम चुनाव में हमारे सभी स्तर के पदाधिकारियों ने, कर्मियों ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, साथ ही मीडिया के सभी बंधुओं ने एवं खास यहाँ की आम जनता ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से निष्पादन कराने का प्रयास किया है। और आप देख रहे होंगे कि इतनी तपती धरती में और इतने तेज़ लू में भी हमारे समस्त अधिकारियों ने, पुलिस पदाधिकारी ने, पुलिस बल ने, सभी कर्मियों ने इस तरीके का चुनाव कराया है कि कहीं भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। और इस पूरे कार्य को संपन्न कराने में हमारे मीडिया बंधुओं का अहम रोल रहा है। तो इसी अवसर पर हमने सभी स्तर के पदाधिकारियों को यहाँ सम्मानित किया है और पुलिस पदाधिकारियों को भी, चूँकि एक साथ हम सभी को नहीं बुला सकते हैं, तो जो क्राइम मीटिंग होती है, क्राइम मीटिंग में हम सम्मानित करेंगे एवं मीडिया बंधुओं को भी अलग से हम एक सभा बुला रहे हैं, एक मीटिंग बुला रहे हैं, उस मीटिंग में हम लोग सम्मानित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत को लेकर शनिवार सुबह से ही फेक न्यूज व्हाट्सएप के जरिए फैलाई जा रही है। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी को पिछले कुछ दिनों में 2 बार चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, जिस कारण अब उनकी हेल्थ को लेकर गलत जानकारी साझा की जाने लगी है। लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत ठीक है। प्रमुख समाचार एजेंसी ANI ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया है कि लाल कृष्ण आडवाणी ठीक है, वे घर पर आराम कर रहे हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनकी हालत में काफी सुधार है। बिहार में इस बार आलू प्याज की पैदावार कम होने से इसकी कीमत में रोज बढ़ोतरी हो रही है। कोल्ड स्टोर में भी आलू बहुत कम बचा है। प्रदेश में आलू की खपत के लिहाज से उपलब्ध नहीं होने के कारण व्यापारी यूपी और बंगाल से आलू मंगा रहे हैं। बाजार समिति में आलू का होलसेल दर इन दिनों 2800 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि खुदरा बाजार में आलू 35 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। व्यापारियों का कहना है कि आलू की मांग में कमी नहीं है, लेकिन आलू की आपूर्ति उस लिहाज से नहीं हो रही है जिससे कीमत में लगातार उछाल जारी है। बता दें कि जैसे जैसे कोल्ड स्टोर का आलू कम होता जाएगा, आलू की कीमत भी बढ़ती जाएगी। जानकारी के अनुसार नवंबर तक आलू की कीमत घटने की गुंजाइश नहीं है। नई फसल आने के बाद ही आलू सस्ता होगा। बताया जा रहा है कि पिछले साल आलू और प्याज की पैदावार काफी हुई थी, जिसके कारण आलू की उपज का दाम भी किसानों को नहीं मिला था। वहीं इस बार किसानों ने आलू कम लगाया है, जिससे पैदावार में कमी आ गई, जिसका सीधा असर कीमत पर पड़ रहा है। मांग के हिसाब से आपूर्ति नहीं होने से आलू एवं प्याज की कीमत बढ़ रही है। आलू प्याज विक्रेताओं ने बताया कि यूपी से आलू की खरीद और ट्रांसपोर्टेशन में भी अधिक राशि चुकानी पड़ रही है, जिसका असर बाजार पर दिख रहा है। इधर भागलपुर के बाजार में भी आलू और प्याज की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक माह के अंदर दोनों की कीमत 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। थोक कारोबारियों की माने तो उत्पादक क्षेत्र में फसल कमजोर हुआ है, साथ ही खेती का समय भी खत्म हो गया है।
हरी सब्जियों की कीमत में भी बढ़ोतरी जारी है। ऐसे में एक बार फिर आम लोगों पर महंगाई की मार है। आलू प्याज कारोबारी छोटे लाल ने बताया कि एक माह पहले जो आलू 15 से 20 रुपए प्रति किलो थोक मंडी में मिल रहे थे, वही अब 30 से 35 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, जबकि प्याज अभी 40 से 50 रुपए किलो पर पहुंच गया है। बिहार के वैशाली में पातेपुर थाना क्षेत्र के नीरपुर कुसाही गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से धान का बिचड़ा उखाड़ रही एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतिका कमलेश राय की 35 वर्षीय पत्नी रीता देवी बताई गई। वहीं महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को नीरपुर कुसाही गांव निवासी कमलेश राय की पत्नी रीता देवी घर से कुछ दूरी पर धान रोपने के लिए खेत में धान का बिचड़ा उखाड़ रही थी। इसी दौरान अचानक आई तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली महिला के शरीर पर ही गिर गई। बिजली गिरते ही महिला की मौत मौके पर ही हो गई। जानकारियाँ दीजिए। बहुत ही दुखद अप्रिय घटना है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, और खेती पथारी का समय है तो सब किसान तो खेते में रहते हैं, तो वहीं पर तो सब आदमी थे बिजली अचानक कड़का बारिश के समय में, और उनकी डेथ हो गई। उनके ही शरीर पे गिरा, ऐसा एहसास तो सब लोगों को हुआ। हम और सभी लोगों को एहसास हुआ कि जोरदार बिजली गिरा है। क्या नाम है जिनके ऊपर बिजली गिरा है उनका? उनका नाम रीता देवी है। कितना उम्र होगा? लमसम 40 के आसपास। अच्छा, किनकी पत्नी हुई है वो? कमलेश राय। कमलेश राय कौन सा गाँव है? नीरपुर कुसाही। नीरपुर कुसाही वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 13। घटना कब की है? वही तकरीबन 1 बजे के आसपास। 1 बजे? हाँ, 1 बजे के आसपास। क्या कर रहे थे वो खेत में? धान रोपाई का सीजन है तो धान रोपने के लिए बिचड़ी उखाड़ रहे थे। धान बिचड़ी उखाड़ रहे थे। हाँ, उसी दौरान गिर गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असानंदपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
NH31 पर भवानीपुर थाना क्षेत्र के भगवान पेट्रोल पंप के समीप शुक्रवार को ओवरटेक करने के दौरान एक ट्रक ने पुलिस बर्ज वाहन में टक्कर मार दी। घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में लखीसराय पुलिस लाइन में तैनात भागलपुर जिला के रंगरा थाना अंतर्गत मकंदपुर के सब इंस्पेक्टर शिवनंदन गोस्वामी, लखीसराय जिला अंतर्गत गली बिशनपुर निवासी पुलिस वाहन चालक धर्मवीर कुमार, मुंगेर जिला के टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के छाता गांव निवासी कांस्टेबल संदीप कुमार, पश्चिमी चंपारण के गोबरधाना थाना क्षेत्र के बनकटवा निवासी कांस्टेबल सोनम कुमारी और पटना जिला के बख्तियारपुर निवासी कांस्टेबल गौतम कुमार जख्मी हो गए। बता दें कि घटना में चालक सहित 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं सूचना मिलते ही भवानीपुर थाना में तैनात SI बिंदु भूषण दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर लाया, जहां सभी का उपचार किया गया। जख्मी कांस्टेबल गौतम कुमार ने बताया कि सभी पुलिसकर्मी लखीसराय पुलिस लाइन से शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे भागलपुर कारा से कैदी लाने के लिए निकले थे। भगवानपुर पेट्रोल पंप के पास ट्रक चालक ने ओवरटेक करने के चक्कर में बर्ज वाहन में धक्का मार दिया, जिससे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल पुलिस कर्मियों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में रेफर किया गया, जबकि NH31 पर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दुर्घटना कैसे हुई इसके बारे में कुछ जानकारी दें। हम लोग कैदी लाने जा रहे थे भागलपुर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर? लखीसराय से भागलपुर जा रहे थे जी। तो ट्रक वाला ओवरटेक करने के चक्कर में आगे से दुर्घटना। अच्छा, ये दुर्घटना कहाँ हुई है? नारायणपुर में है, नवसिया पत्ता। नारायणपुर नवसिया। सर कितने आपके सहकर्मी घायल हुए हैं? 4 गो। क्या क्या नाम है सर चारों का? और क्या पद? सोनम कुमारी और संदीप और गोस्वामी ड्राइवर को नाम। अच्छा, इन लोगों का पद? मेरा नाम गौतम हुआ जी। हल्का फल्का हमारा। आप लोग की चोटी। कितने लोग सवार थे सर आप लोग? 6 लोग। किस वाहन में सवार थे? बजरा टीम। बजरा टीम।